नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा मिलने पर विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 शिलालेख लगाए गए हैं। इन पर यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती का नाम लिखा है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम इस पर नहीं है। बंगाल सरकार ने इसकी आलोचना की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शांति निकेतन की पहचान रविन्द्रनाथ टैगोर से है और शिलालेख से उन्हीं का नाम हटा दिया। हम दुर्गा पूजा के कारण चुप थे। अगर विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने 24 घंटे के भीतर टैगोर के नाम का नया शिलालेख नहीं लगाया तो हम कवि गुरु की तस्वीर अपने सीने पर रखकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती ने अपने जवाब में कहा कि शिलालेख पर क्या लिखना है इसकी अनुमति उन्होंने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से ली थी। हालांकि राज्यपाल ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ बंगाल या भारत बल्कि मानवता की महानता के प्रतीक हैं। नई शिलालेख पर उनका नाम लिखकर सम्मान देना चाहिए। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।